हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय रीसेंट स्किन केयर रूटीन। मैं अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करती रहती है बिकॉज आई ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू ब्रांड्स। तो अभी मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इलाबोरेटली शेयर करने जा रही हूँ। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। मेक श्योर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसेंटली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक विटामिन सी स्किन केयर रेंज। आप लोगों ने अक्सर ये नोटिस किया है कि मैं एक कंप्लीट स्किन केयर रेंज को ट्राई करती हूँ। अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट को ट्राई कर रही हूँ, अगर मैं कोई सीरम को ट्राई कर रही हूँ, तो उसी रेंज का मैं क्रीम, फेस वॉश इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ विश केयर विटामिन सी प्योर ग्लो फेस रेंज, जिसमें है विटामिन सी प्योर ग्लो फेस वॉश। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है ये प्योर ग्लो फेस सीरम एंड द थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज दिस प्योर ग्लो फेस क्रीम। और ये जो क्रीम है ये मैं इस समर सीजन में इस्तेमाल करती हूँ बिकॉज द क्रीम इज वेरी नाइस, हाईली मॉइस्चराइजिंग है, एट द सेम टाइम ऑयलीनेस मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होती है। सो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, बेसिकली दिस एंटायर रेंज के ऊपर मैं आप लोगों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है इसे इस्तेमाल करके मुझे कैसा लगा, क्या आप इस रेंज को ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ मैं डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विश केयर ब्रांड के बारे में। विश केयर एक 100% क्रुएल्टी फ्री, क्लीन, वीगन पर्सनल केयर ब्रांड है एंड द प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स। ऑल्सो देयर पैकेजिंग इज रिसाइक्लेबल, सो दैट्स अनदर रीजन ऑफ यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स। एंड ये एक होम ग्रोन इंडियन ब्रांड है, सो व्हाई नॉट सपोर्ट समथिंग विच इज इंडियन। तो इसी वजह से मैंने इस रेंज को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। एंड यू ऑल नो हाउ मच आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विटामिन सी। विटामिन सी हमारे स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा एक इंग्रेडिएंट है एंड हमारे स्किन से जो भी डार्क स्पॉट्स है, स्किन पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी अमेजिंगली वर्क करता है। एंड ये जो एंटायर रेंज है, एक एंटायर रेंज को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपको और जल्दी मिलता है एंड बेटर रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ विश केयर विटामिन सी प्लस प्योर ग्लो फेस वॉश से, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। इसके अंदर है कैलेंड्यूला, ऑरेंजेस, हाइलुरोनिक एसिड, टर्मरिक, नाइसिनामाइड, जो स्किन को ब्राइटन करने में, यंग इवन टोन्ड स्किन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। द बेस्ट पार्ट इज दिस इज फ्री फ्रॉम हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स लाइक सल्फेट्स एंड पैराबेंस। ये मेड इन इंडिया है, रिसाइक्लेबल पैकेजिंग है एंड 100% क्रुएल्टी फ्री है। 150 ml का ये पैकेजिंग है जिसका प्राइस है जस्ट 399 रुपीस। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। ये ना आपके फेस को इतनी अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है बट बिल्कुल भी ड्राई फीलिंग नहीं देता है, क्योंकि मेरी स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा मुझे ड्राइनेस फील नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है स्किन को एंड मेकअप रेसिड्यू भी अगर रह जाता है ना फेस पर तो ये इतनी अच्छी तरीके से फेस को क्लीन कर देता है। सेकेंड स्टेप इज दिस विश केयर विटामिन सी प्लस प्योर ग्लो फेस सीरम, जिसके अंदर एक्जॉटिक बेरीज, ऑरेंजेस, हाइलुरोनिक एसिड, टर्मरिक, रेटिनॉल एंड नायसिनमाइड की गुडनेस है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना स्किन को एक यंगर लुकिंग इफेक्ट देने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्लीन करता है। इनफैक्ट नायसिनामाइड तो एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है पिंपल मार्क्स या डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में, फेड आउट करने में और स्किन को इवन बनाने में। इसका टेक्सचर भी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक टेक्सचर है येट ये ईजिली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है। जस्ट 2 to 3 पम्प्स चाहिए आपको एंड इसे अपने फेस पर इस तरीके से आपको हल्के हाथों से मसाज भी करना है और इसे ना डैप करना है ताकि जो सीरम है वो आपके पोर्स पर अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए, इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड स्किन को ना एक हल्का सा ग्लो भी ऐड करता है जो कि मेरे फेस पर बिल्कुल विजिबल है। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है विटामिन सी प्लस प्योर ग्लो फेस क्रीम, जिसके अंदर आपको मिलेगी बेरीज, ऑरेंजेस, टर्मरिक, हाइलुरोनिक एसिड एंड नायसिनामाइड की गुडनेस, जो स्किन को एक ब्राइटर लुक देता है, इवन टोन बनाता है, यंगर लुकिंग स्किन बनाता है एंड द टेक्सचर इज सो लाइटवेट येट सो हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आप लोग देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा क्रीमी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज परफेक्ट फॉर समर सीजन एज वेल, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली
ऑयलीनेस, ग्रीजीनेस या हेवी फीलिंग आपको नहीं देगी। इट इज़ सो लाइट वेट ऑन योर स्किन, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन किया है। इट इज़ सो लाइट वेट एंड सो मच कम्फर्टेबल। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसे अप्लाई किया अपने फेस पर, माई फेस इज लुकिंग सो हेल्दी एंड ग्लोइंग। एट द सेम टाइम वो जो ग्रीजीनेस एंड ऑयलीनेस होता है वो बिल्कुल भी मेरे फेस पर नहीं है। माई स्किन इज ग्लोइंग फ्रॉम इनसाइड। सो इस एंटायर रेंज को अगर आप एक साथ ट्राई करेंगे ना, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इन सारे प्रोडक्ट्स में से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है ये सीरम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, क्विकली स्किन पर अब्जॉर्ब हो जाता है एंड स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, बट बिल्कुल भी ऑयलीनेस या पैचिनेस नहीं देता। मुझे तो ऐसा फील भी नहीं होता है कि मैंने कुछ भी स्किन पर अप्लाई किया है। सो दैट्स व्हाई आई लव यूजिंग द सीरम, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है फ्रॉम दिस एंटायर रेंज। एंड मैं इस एंटायर रेंज को आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, विटामिन सी एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है एंड बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल एक इंग्रेडिएंट है। तो अगर आपके स्किन में भी अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, स्किन पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस एंटायर रेंज। मेरे फेस पर ना यहाँ पर 2 पिंपल मार्क्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुके थे, एंड उसे रिमूव करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। बट जब से मैंने इस एंटायर रेंज को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, वो जो मार्क्स थे ना वो काफी ज्यादा फेड हो चुके हैं। बिकॉज आई थिंक द क्रेडिट गोज टू विश केयर विटामिन सी प्योर ग्लो फेस रेंज, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के बाद से ही मैं इस डिफरेंस को नोटिस कर रही हूँ, मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। सो या आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग रेंज टू ट्राई आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आजकल इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।